फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए। देखिए आज हम आपके सामने रबड़ प्लांट के फ़ायदे लेकर आए हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये बहुत ज़रूरी है घरों में लगाना। मैंने तो ख़ास करके लगाए हुए हैं, इसको बच्चों के लिए लिया है। मेरा इससे 30 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है। और जब भी हम छोटे होते थे तो इसकी जो है मेरे फादर ब्रांच मंगवाते थे और हम लोगों को चोट लगती थी तो इससे ही बांध देते थे थोड़ा सा तेल लगाकर, और इसे जो है हल्का सा गर्म करके इसकी लीफ को, और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं इसकी उसकी पत्तियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये देखिए हमने बच्चों के ही लिए और अपने लिए, किसी को भी घर में अचानक से चोट वगैरह लग जाए, बच्चे गिर जाएँ तो ज़रूरी नहीं है पेन किलर खिलाएँ और जो है और चीज़ें यूज़ करें, स्प्रे वगैरह लगाएँ, तो इसको जो है बहुत इजी वे में ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। देखिए मेरा पूरा समर यहीं पर रखा हुआ रहा ये प्लांट, मेरे पास 1 साल हो गया इसको और कोई फंगस नहीं, कोई इसमें किसी तरह का कोई अटैक नहीं होता है। बहुत ही हेल्थी अच्छा प्लांट भी है ये, और बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं, इसे इंडोर भी रखते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ बीच बीच में सनलाइट इसे दिखाना ज़रूरी है। और काफ़ी देखिए मॉइस्चर होल्ड करके रखा हुआ है और इस इधर से रूट भी निकल आई है और न्यू रूट के पास से थोड़ी थोड़ी देखिए पत्तियाँ और ब्रांच निकल रही है। ये सब रूट थी और यहाँ पर भी रूट नज़र आ रही होगी। तो देखिए बहुत सारी स्टेम हमने काट दी थी, और तो इसको स्टेम काटने से ये होता है कि जो है ये बुशी होता चला जाता है, और काफ़ी लीव्स हमने यूज़ भी करी है, लोगों को भी दी जिसको ज़रूरत पड़ी। तो इस प्लांट को और एयर प्यूरीफायर भी है, ये इंडोर भी रख सकते हैं, और इसकी कटिंग लेकर थोड़ा सा हार्ड कटिंग, तो आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप सॉइल में कर सकते हैं या पानी चेंज करके, तो इसको इंडोर में भी टेबल वगैरह पे रूम वगैरह में रख सकते हैं आराम से। और इसको घर में ज़रूर रखिए, बहुत ही अच्छा और हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं लेता है। तो इसको जो है यूज़ आप लोग करेंगे, जैसे छोटे बच्चे हैं चोट लग गई किसी को भी हाथ में पैर वगैरह में कोहनी वगैरह में, तो अचानक से हो गया, कभी कभी ऐसा होता घर में दवाएं भी नहीं होती ये लगाने की खाने की भी, तो इसको जो है फौरी तौर पर जल्दी से बांध देंगे तो बहुत तेज़ ये दर्द खींचता है, स्वेलिंग खींचता है और बहुत तेज़ इम्प्रूवमेंट होता है। 2-3 दिन में काफ़ी, अभी मेरे हस्बैंड को भी चोट लग गई थी तो एल्बो में, तो बहुत तेज़ से रिकवर किया था, और मेरे बच्चों को भी हो जाती है तो हम इसको बांधने की कोशिश करते हैं। तो इस प्लांट को देखिए लगाइए, और ड्रेनेज होल इसका बहुत अच्छा रखिए, पानी 2 दिन भी नहीं पड़ेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और इसे कटिंग करते रहिए तो जो है बीच बीच से साइड से ब्रांच देखिए बहुत सारी निकल आई है, मेरा कितना बुशी हो गया है। और ये समर में भी देखिए पूरा रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि फुल इंडोर में ही रखा हुआ है, ये ऊपर छत पे टेरेस पर है और इस तरह से एक बैग में हमने लगा दिया था, ये ग्राउंड पर लगा होता तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और इससे बहुत सारे प्लांट भी बना लेंगे आप। समर में थोड़ा दिक्कत होती है इसको बनाने में, लेकिन बारिश में और इस तरह के मौसम में, अभी अक्टूबर ठंड का मौसम आएगा उसमें ईजी वे में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और पानी में ग्रो करके चेंज करते रहिए जल्दी जल्दी, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, इंडोर भी रखिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम की ये जानकारी होगी, और इस प्लांट को ज़रूर रखें घर में, बहुत ही अच्छा है, यूज़ करिए इसको बच्चों के लिए अपने लिए, बूढ़ों को भी अक्सर दर्द हो जाता है जॉइंट वगैरह में, सब में ये काम आता है। इसका मेरा बहुत पुराना साथ है, तो इसके बारे में मैंने बहुत यूज़ किया मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों ने, तो आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, फुल वॉच किया करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।